नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल रूरल 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दी ये खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद कांग्रेस कमेटी ने एक बैठक की। बता दें कि आज जनपद फिरोजाबाद जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी वह काफ़ी सफल रही और जनता का भी कांग्रेस पार्टी को भारी सहयोग मिल रहा है। बताया कि 146 दिन की इस यात्रा में जनता ने राहुल गांधी का भरपूर सहयोग किया था, अब जनता भी चाहती है कांग्रेस के साथ जोड़ना। कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल के साथ में जो शख्स रहे थे वह आज फिरोजाबाद पहुंचे हैं। वहीं विक्रांत पांडे ने बताया कि इस समय उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वह अपने तानाशाह रवैये के चलते जनता का भरोसा खो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी करते हुए कहा कि बुलडोजर बाबा अब ज्यादा दिन उत्तर प्रदेश में दिखने वाले नहीं हैं। तो वहीं इंडिया गठबंधन पर उनका कहना था कि बसपा और सपा ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जातिगत राजनीति करती हैं। कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो जातिगत राजनीति नहीं करती। हम चाहते हैं जाति से हटकर जनता के मुद्दों पर राजनीति की जाए तो बेहतर होगा। साथ ही कहना था कि आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अच्छी सीटें लाएगी। वही बताया कि हम सभी दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो भाजपा को जरूर हराएंगे। खास रिपोर्ट देखिए ऋषि पंडित के साथ। ये प्रेस वार्ता आज जिस संदर्भ में की गई है वो मुझे बताने वाला हर्ष व्यक्त खुशी महसूस हो रही है कि हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने जो कश्मीर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4,000 किलोमीटर की जो पदयात्रा की थी उनके साथ ही यहाँ पर मौजूद है आज हमारे बीच में श्री विक्रांत पांडे जी, बलिया जिले को बिलोंग करते हैं। ये पूरे की पूरी यात्रा में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की जो यात्रा थी उसमें राहुल जी के 136 दिन की जो यात्रा हुई, तकरीबन 146 दिन की जो यात्रा थी उसमें पूरे टाइम साथ रहे, उनके साथ उन्होंने समय व्यतीत किया, इनके कैसे अनुभव रहे, जनता का कैसे रेस्पॉन्स था, पब्लिक किस तरह से इस चीज़ को लेके चल रही थी, ये आपके सब के बीच में साझा करेंगे श्री विक्रांत पांडे जी। किस तरीके से बात करेंगे जी? जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने आप लोगों को बता दिया कि आज क्या है, किस लिए प्रेस वार्ता किया गया है। और उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के बाद मैंने चाहा कि उत्तर प्रदेश में पूरे 75 जिले हम लोग को मैं जाऊं और जिले में जाने के बाद जिले में जनसंपर्क किया जाए, एक जन अभियान जन चेतना चलाया जाए, लोगों से मिलकर अलग अलग समुदाय अलग अलग समाज के, इसमें जो जिला अध्यक्ष लोग हैं, जो जिले के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनका लगातार सपोर्ट मिल रहा है। लगातार 41वां जिला है मेरा ये, और यहाँ संदीप जी हैं, हमारी कुसुम जी हैं, मनोज जी हैं, जितने भी सीनियर लोग हैं सबका सपोर्ट मिल रहा है। तो ये मीटिंग इसीलिए की गई है कि इस यात्रा को जो जनसंपर्क उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, एक छोटा पैमाना है, एक छोटा प्रयास है, लेकिन इसका रिजल्ट जो है ज़रूर बहुत बड़ा आएगा। और लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ये सरकार तानाशाही का रवैया अपनाई हुई है, हम लोग इस सरकार के सारे जो इस बुलडोज़र बाबा को जो सिर्फ बुलडोज़र चलाना जानते हैं और किताबों में नाम बदलना जानते हैं, इसके अलावा कोई काम करना नहीं जानते, उसका लगातार विरोध कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस की मांग कर रही है और हम यही सब राहुल गांधी जी का मैसेज लेके लोगों के बीच जाते हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर विधानसभा स्तर पर उन्होंने गठबंधन नहीं किया है तो हम कभी कांग्रेस से बात भी ना करते जी। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो जब कांग्रेस थी तब मुलायम सिंह यादव और अखिलेश सिंह यादव और सपा बसपा कभी दिखती भी नहीं। सपा बसपा आज की पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, जाति के भरोसे चलती है। कांग्रेस मात्र एक ऐसी पार्टी है जो सर्वदलीय पार्टी है, सबको सारे अगर जो दल हमारे साथ आना चाहें और जो हमारे सिद्धांत से चलना चाहें, जहां जात की बात हो, जहां धर्म की बात हो, ये सब की राजनीतिक जो चर्चा है इन लोगों को दूर रखा जाए। और कांग्रेस हमारे हमेशा सारे धर्म और जात को लेके चलती है, तो उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस किसी से कम नहीं है। और जहां तक मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितनी भी लोकसभा सीट है हमें मौका मिलेगा हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ लोगों के बीच जीतने का काम करें। इंडिया गठबंधन को एक साथ लाने के लिए नीतीश कुमार और अखिलेश यादव ने पहल की थी, क्या लगता है कि यूपी में इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं ख़त्म होने जा रहा है? देखिए, ये तो अब ऊपर के अधिकारी और ऊपर के नेता लोग तय करेंगे, लेकिन जो ये भारत जोड़ो यात्रा जब राहुल गांधी जी ने निकाला था उसी के बाद सारे नेता ने समझा, सारे लीडर ने समझा कि एक राहुल गांधी जी ही हैं जो देश को एक सूत्र में पिरो के लेके चल सकते हैं।
और मोहब्बत की दुकान खोल सकती है। तो सारे नेता लोग आए और हमने उनका स्वागत किया और हम चाह रहे हैं कि मिल के हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़े और सत्ता से भाजपा का जो तानाशाही रवैया इन्होंने अपनाया हुआ उसको हटा के सत्ता पे भारत की वापस से जो लोकतंत्र है उसको हम लोग लेके आए।